हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो ये बात करे वाला छे। अगर अपने भी स्नैपचैट ऐप इस्तेमाल कर रहे छे और अपने के भी स्नैपचैट में ऐसा एरर आ रहा है तो कितना अपने प्रॉब्लम के सॉल्व कर सके छे, तो आज की वीडियो हम यह प्रॉब्लम के सॉल्व करके देखेबे। और ई चैनल पर पहली बार आयल छे तो चैनल के सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबाए देब, कने के अपने के लिए ऐसा ऐसा वीडियो बनाते रहे छे। और कोनो फोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमरा कमेंट्स करके बता सके छे, नहीं तो अपने के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए तो अपने वहाँ से भी प्रॉब्लम के सॉल्व कर सके छे। तो अपने के जे चल जाए छे बैक बैक जाए के बाद अपने के सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप के कर ले छे ओपन। ओपन करे के बाद अपने के सबसे टॉप में क्लिक कर दी छे और यहाँ पर लिख दी छे अपने के स्नैपचैट। लिखे के बाद जे अपने के सर्च कर ले छे, अपने के देख ली छे स्नैपचैट के तरफ से कोई अपडेट तो नहीं आयल छे। अगर अपडेट आयल छे तो अपने के अपडेट कर ली छे, अगर अपडेट नहीं आयल छे तो अपने के चल जाए बैक। अगर अपडेट आयल छे तो अपने के अपडेट करके बैक आवे छे। ओकर बाद जे छे अपने के देख ली छे स्नैपचैट ऐप कहाँ पर इंस्टॉल छे। अपने के ऊपर 5 सेकेंड तक क्लिक करके रखे छे, ऐप इन्फो पर कर दे छे क्लिक। ऐप इन्फो पर क्लिक करे के बाद जे छे अपने के स्टोरेज पर कर दे छे क्लिक। स्टोरेज पर क्लिक करे के बाद जे छे अपने के क्लियर डेटा पर क्लिक कर दे छे क्लियर। डेटा पर क्लिक करे के बाद अपने के क्लियर ऑल डेटा पर कर दे छे क्लिक। क्लिक करे के बाद जे छे अपने के ओके कर दे छे। ओके करे के बाद अपने चल जाए छे बैक। बैक जाए के बाद अपने के ऐप परमिशन पर कर दे छे क्लिक। क्लिक करे के बाद जे छे अपने के परमिशन दे दे छे। परमिशन दे के बाद बैक चल जाए छे। बैक जाए के बाद जैसे अपने के ऐप के कर ले ओपन। ओपन करे के बाद अपने के लॉगिन कर ले छे। लॉगिन करे के बाद जैसे अपने के प्रॉब्लम हो जाते सॉल्व। अगर अपने के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई छे तो हमरा कमेंट्स करके बता सके छे, हम रिप्लाई जरूर देब। और हमारे वीडियो देखे के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबाए देब। तब तक के लिए नमस्कार।